जनमन में अब बात राम रहीम की। राम रहीम जिस पर सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे सही कवरेज हुई एबीपी न्यूज पर। राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है। उसके डेरे के बारे में अब खुलासे होने शुरू हो गए हैं। एक ऐसा वीडियो भी पहली बार सामने आया है जिसमें दिख रहा है उसका आलीशान घर। आलीशान कुर्सियां, भव्य डाइनिंग टेबल, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय बलात्कारी राम रहीम के डेरे के भीतर की तस्वीरें हैं। सादगी का पाठ सिखाने वाले बलात्कारी बाबा के डेरे के डाइनिंग रूम में रखी डाइनिंग टेबल देख रहे हैं आप। डाइनिंग टेबल पर महंगी क्रॉकरी। अब बलात्कारी बाबा की डाइनिंग चेयर से पर्दा उठने वाला है। ये देखिए सोने के रंग में रंगी हत्थे वाली सिंहासन नुमा कुर्सी, बगल में सोफा, दीवार पर एसी, फिर एक और कमरा। पुलिस वाले लात से दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर पहुंचते हैं। दूसरे कमरे की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको इस घर की एक और अहम जानकारी दे देते हैं। ये तस्वीरें राम रहीम के बेटे जसमीत के घर के अंदर की बताई जा रही हैं। उनकी बेटियों के घर में काम कर चुके कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह का आर्किटेक्चर उनकी बेटियों के घर के अंदर नहीं है। यानी घर बाबा का भी हो सकता है और उनके परिवार के किसी सदस्य का। अब दूसरे कमरे की तस्वीरें देखिए, काफी बड़ा कमरा, सामने बड़ा आलीशान किंग साइज बेड, छत पर पीओपी का काम और झूमर देखिए, बेड के सामने रखी शट्टी, बैंगनी रंग के सनील के कपड़ों से बना बेड, दीवारों पर ड्रेसिंग मिरर और टेबल, वॉलपेपर से सजी दीवारें। ये है राम रहीम के डेरे की आलीशान दुनिया। तस्वीरों में नजर आ रहे आलीशान फर्नीचर को लेकर एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो एक और खुलासा हुआ। डेरे में राम रहीम के परिवार के मकान बनाने वाले कुछ लोगों का दावा है कि ये फर्नीचर जिस बिजनेसमैन की तरफ से सप्लाई किया जाता है वो डेरे का पुराना भक्त है। ये दो आलीशान कमरों की तस्वीरें हैं जिससे पता चलता है कि राम रहीम ने श्रद्धा के डेरे में कैसी विलासिता की दुनिया सजा रखी है। हालांकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस डेरा के अंदर बने इस मकान की तलाशी ले रही है, उसके दरवाजे तोड़ रही है। बावजूद इसके सिरसा पुलिस का कहना है कि उन्होंने डेरा के अंदर जाकर किसी भी बंगले की तलाशी नहीं ली। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज सिरसा। राम रहीम की राजदार हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा फिलहाल गायब हो गई है। जेल भेजे जाने से पहले तक ये महिला राम रहीम के साथ साये की तरह रही, लेकिन अब हनीप्रीत के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला हनीप्रीत का परिवार। आखिर कहां है राम रहीम की राजदार हनीप्रीत? 24 जुलाई के बाद से ना तो ट्विटर पर अपने पापाज एंजेल के लिए कोई ट्वीट किया है, ना ही सोशल मीडिया पर कहीं नजर आ रही है। मेरे पास तो है सच्चा दोस्त जी। अच्छा, कौन? सेंट डॉक्टर एमएस जी, मेरे पापा। वाह वाह, वही मेरे सच्चे दोस्त है। अच्छा, अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर भी कोई जवाब हनीप्रीत इंसा की तरफ से नहीं आया है। मैं हूँ हनीप्रीत इंसा और मेरे साथ है सिद्धू, मेरा भाई। हनीप्रीत इंसा अपने पापा यानी राम रहीम के साथ परछाई की तरह नजर आती थी। कार्यक्रमों में भी हनीप्रीत राम रहीम के साथ दिखा करती थी, फिल्मों में भी दोनों ने इकट्ठे काम किया। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में हनीप्रीत का नाम राम रहीम के साथ लिया जाता है। लेकिन अब ये राज कोई राज नहीं रहा। हनीप्रीत का कानूनी नाम प्रियंका तनेजा है और उसके कानूनी पिता हैं रामानंद तनेजा। प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली है। प्रियंका का बचपन फतेहाबाद में ही बीता, लेकिन आज हनीप्रीत की सोशल मीडिया टाइमलाइन को देखकर लगता है कि उस पर कोई पुरानी पहचान बाकी नहीं है।
17 जून को फादर्स डे पर हनीप्रीत ने राम रहीम के लिए तो मैसेज छोड़ा, लेकिन असली पिता के लिए नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं हनीप्रीत और प्रियंका के असली पिता से। ये हैं रामानंद तनेजा और ये हैं रामानंद के साथ हनीप्रीत की असली माँ आशा तनेजा। प्रियंका का परिवार पहले फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में रहता था। प्रियंका का परिवार पहले फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में रहता था। उसके दादा लंबे समय से डेरा के सेवादार थे। उनके बाद पूरे परिवार ने डेरा से नामदान लिया। 5 साल पहले पुश्तैनी मकान बेचकर पूरा परिवार डेरे में रहने के लिए चला गया। फतेहाबाद में रामानंद टायर की दुकान चलाते थे, लेकिन अब हनीप्रीत का परिवार डेरे के शाही परिवार में शामिल है। उसके पिता रामानंद डेरा परिवार में सीड्स प्लांट चलाते हैं। रामानंद तनेजा बाबा के कट्टर भक्त हैं। वे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद अब डेरा सच्चा सौदा में ही अपना सीड्स प्लांट चलाते हैं। हनीप्रीत और प्रियंका का एक भाई है साहिल। साहिल की तस्वीरें बताती हैं कि परिवार पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी बिताता है। साहिल भी डेरे में मौजूद सीड्स प्लांट में ही हाथ बटाता है। भाई की भी शादी हो चुकी है, लेकिन इस पहचान को कभी हनीप्रीत ने अपने लाखों फॉलोअर से साझा नहीं किया। ठीक इसी तरह हनीप्रीत की एक छोटी बहन भी है निशु। निशु की शादी फतेहाबाद निवासी संजू बजाज से हो चुकी है। अब गुड़गांव में फैशन का काम करती है निशु। घर में सभी की जिंदगी सेट है, लेकिन हनीप्रीत की नहीं। हनीप्रीत की शादी 1999 में विश्वास गुप्ता के साथ हुई। ये शादी राम रहीम के आदेश पर हुई थी, लेकिन शादी चली नहीं। 2009 में हाई कोर्ट में विश्वास ने याचिका डाली, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए। 2011 में दोनों के बीच तलाक हो गया। यही वो वक्त था जब राम रहीम ने प्रियंका को गोद ले लिया और नाम रख दिया हनीप्रीत। पिछले 7 साल से हनीप्रीत राम रहीम के साथ साये की तरह रही। इतना करीब कि जेल में हनीप्रीत को अपने साथ ले जाने के लिए राम रहीम को फटकार तक खानी पड़ी। विश्वास गुप्ता ने मुझे ये बताया कि उसने अपनी पत्नी जो हनीप्रीत जी हैं उसको कुछ इस अवस्था में देखा बाबा जी के साथ। तो पहले वो उनके साथ ही था, उनका उसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था बाबा जी ने। सच्चाई जानने के बाद उससे रहा नहीं गया, उसने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद उसको एक केस में फंसा दिया गया। लंबी कानूनी जंग के बाद हनीप्रीत और विश्वास का तलाक हो गया। अब हालत ये है कि विश्वास का परिवार कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं। वो पिटीशन भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं। वो उसके फादर ने, जो कि एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, वो उन्होंने अपने जितनी भी कमाई थी वो सारी डेरा में लगा दी थी। वो एक्चुअली बहुत बड़े अनुयायी थे, इसीलिए बाबा जी के कहने पे ही विकास की शादी हनीप्रीत के साथ की गई थी। लेकिन उसको, उसने मुझे जो बताया वो ये था कि उसको कभी भी उसके साथ रहने नहीं दिया गया एज हस्बैंड वाइफ। लेकिन जैसे उसको सच्चाई का पता चला और उसने कोशिश करी ये सारा कुछ जानने की, तो उसके ऊपर उन्होंने केस भी डाले और उसके ऊपर पीछे बंदे भी लगा दिए। और अब एक बड़ा सवाल, डेरा सच्चा सौदा की अरबों रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह साबित होता है कि राम रहीम ने काफी पहले विरासत अपने बेटे जसमीत इंसा को सौंपने की तैयारी कर ली थी। हनीप्रीत इंसा, राम रहीम की गोद ली हुई बेटी। जसमीत इंसा, राम रहीम का अपना बेटा। और विपसना इंसा, डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन। ये हैं वो तीन चेहरे जो गुरमीत राम रहीम की करोड़ों की विरासत के उत्तराधिकारी की रेस में सबसे आगे हैं। माना जा रहा था कि राम रहीम को 20 साल की सजा मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा पर उसकी सबसे करीबी माने जाने वाली हनीप्रीत का कब्जा होगा। राम रहीम खुद यह दावा करता रहा है कि हनीप्रीत उसकी गोद ली हुई बेटी है। अपने पति से तलाक के बाद हनीप्रीत साई की तरह राम रहीम के साथ रहती आई है। डेरे के एक नियम के मुताबिक राम रहीम के परिवार का कोई सदस्य डेरा प्रमुख नहीं बन सकता, इसलिए इस पद के लिए हनीप्रीत को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन हनीप्रीत की दावेदारी को डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपसना से चुनौती मिल सकती है।
क्योंकि विपसना भी राम रहीम के परिवार की नहीं है। 35 साल की विपसना फिलहाल डेरे का सारा कामकाज देखती है और राम रहीम के बाद नंबर दो की हैसियत रखती है। राम रहीम पर फैसले के एक दिन पहले वो सिरसा में डेरा समर्थकों को शांत रहने की अपील करती नजर आई थी कि आपने भाषाओं में बहकर ऐसे कदम नहीं उठाना कोई भी कि जिससे डेरे का जो शांति का मार्ग है उस पे कोई धब्बा लगे। लेकिन विपसना हो या हनीप्रीत, इन दोनों का रास्ता तब तक साफ नहीं होगा जब तक राम रहीम का अपना बेटा जसमीत इंसा खुद रेस से पीछे न हट जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज के पास है डेरा सच्चा सौदा की वो ट्रस्ट डीड जिसमें खुद राम रहीम के हस्ताक्षर हैं। करीब 13 साल पहले 11 अगस्त 2004 को बनी इस डीड में साफ लिखा है कि डेरे के उत्तराधिकारी का चुनाव गुरमीत राम रहीम ही करेगा और उत्तराधिकारी होने का पहला अधिकार राम रहीम के पुरुष वंशज को होगा। यहाँ पर लिखा हुआ मेल लीनियल डिसेंडेंट, यानी कि बाबा का उत्तराधिकारी वो भी वो बनेगा जो उनके वंश का होगा और वो भी पुरुष होगा। ऐसे में जो बाबा का बाबा के जो दो बेटियां, उसके अलावा एक बेटा है जसमीत इंसान, और बताया जाता है कि वो उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है क्योंकि नियमों के मुताबिक, क्योंकि जो मेल यानी कि पुरुष वंशज है बाबा का वो उनका बेटा ही है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी लड़की उसमें नहीं संभाल सकती है, यानी कि कोई पुरुष ही गद्दी नशीन होगा डेरा सच्चा सौदा का, यानी बाबा को अपना बेटा ज्यादा प्यारा। डेरा सच्चा सौदा की इस डीड से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि राम रहीम अपनी करोड़ों की संपत्ति के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे का चुनाव पहले ही कर चुका है। 33 साल का जसमीत इंसा MBA है, फिलहाल वो डेरा के खेलगांव और शाह सतनाम क्रिकेट अकेडमी का अध्यक्ष है। जसमीत की शादी बठिंडा के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। जसमीत की दादी और राम रहीम की मां नसीब कौर ने डेरा कमेटी के सामने जसमीत को ही डेरे की कमान देने की इच्छा जताई है, यानी पूरा परिवार डेरे की कमान को परिवार में ही रखना चाहता है। जाहिर तौर पर इसकी वजह है डेरा सच्चा सौदा की करोड़ों की प्रॉपर्टी। अकेले सिरसा में 700 एकड़ की जमीन में डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर बना हुआ है। पूरे भारत में डेरा के 46 से ज्यादा आश्रम है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी डेरा की संपत्ति है। अनुमान के मुताबिक राम रहीम की कुल संपत्ति करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए की है। आस्था के कारोबार से राम रहीम सालाना औसतन 60 करोड़ रुपए कमाता है। राम रहीम अब 20 साल तक जेल से नहीं निकलेगा, ऐसे में उसकी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई होना तय है जिसमें उसका परिवार किसी भी हाल में पीछे नहीं रहने वाला। सिरसा से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब डेरा सच्चा सौदा के सताए और लोगों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। हरियाणा में कैथल के रोशन लाल पिछले 3 साल से गायब हैं। आरोप डेरा पर है। मीडिया में रोशन लाल की खबर आने के बाद अब पुलिस ने परिवार की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है। हाथ में तस्वीर लिए खड़ा ये वो परिवार है जो राम रहीम के डेरे के अत्याचार का गवाह बना। अपने भाई की तलाश में दर दर भटकता ये वो भाई है जिसने डेरे की क्रूरता देखी। 3 साल से अपने पिता की राह देखता ये वो बेटा है जिसके पिता को डेरे पर गायब करने का आरोप है। कैथल के रहने वाले रोशन लाल अब सिर्फ तस्वीरों में ही दिखते हैं। 3 साल बीत गए लेकिन रोशन आज तक घर वापस नहीं लौटे और ना ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार पिछले 3 साल से पुलिस, प्रशासन सभी से मदद मांग रहा था लेकिन डेरे के रसूख के आगे कोई इन लोगों की नहीं सुन रहा था। डेरे से रोशन लाल के परिवार को धमकियां दी गईं, लेकिन राम रहीम को सजा मिलने के बाद कैथल की पुलिस जाग उठी है। इनने एक शिकायत हमारे को दी है, उस पर SHO सिविल लाइन के मारक कर दी है, जो जायज कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर दें। कैथल के रोशन लाल 3 साल पहले अक्टूबर 2014 में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चलाए गए सफाई अभियान के तहत मुंबई गए थे। सभी अनुयायी वापस आ गए लेकिन रोशन लाल नहीं लौटे। डेरे ने भी रोशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रोशन लाल के परिवार का आरोप है कि डेरा सच्चा सौदा कैथल के मुखिया खराती लाल के साथ रोशन लाल का झगड़ा हुआ था और उसी के बाद से वो गायब है। डेरा प्रमुख खराती लाल रियाल रिसाल सिंह है और
उनके अन्य साथी उनके साथ उनको मुंबई ले गए और आज तक हमें उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कुछ रिश्तेदार पड़ोसियों ने बताया है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है और जब भी कार्रवाई करने जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कैथल की पुलिस ये कहती है कि उनको जड़ सुरक्षा मिली है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। एसपी को भी एक कॉपी दी थी जी दरखास्त की और एसपी ने भी यही दिलासा दिया था कि कार्रवाई होगी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पिताजी 3 साल से लापता हैं, उनका आज तक कोई पता नहीं है जी। कैथल पुलिस ने कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की थी। कैथल पुलिस ने परिवार को मामला मुंबई में दर्ज करवाने की बात की। रोशन लाल का परिवार मुंबई भी गया शिकायत की, लेकिन रोशन लाल का कुछ पता नहीं चला। डेरा में भी शिकायत करी और मदद मांगी, उन्हें कोई मदद नहीं दी। ऊपर से कहने लग गए भाई मर से ये कौन सी बिरादरी के है जो लेन के मारे कर रहे हैं, खर्चा पानी लेने के मारे कर रहे हैं। और डराने लगे, धमकी देने लगे भाई जो फालतू बोलोगे तो हम जान से मार देंगे। रोशन लाल के 2 लड़के और 1 लड़की है और इस साल फरवरी में पिता के बिना ही रोशन की बेटी की शादी भी हो चुकी है। पिता को देखने का अरमान लिए उसकी बेटी घर से विदा हो गई। अब परिवार कह रहा है कि जल्द से जल्द रोशन लाल की खोज हो। रोशन लाल का पूरा परिवार भी डेरा का अनुयायी था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।